अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मटन की रेसिपी देने जा रही हूँ। थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में बनेगा और इसमें मलाई भी डालेंगे हम, दही भी डालेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो ये मैंने 1 किलो मटन लिया है, ये देखिए मैं सभी तरह का इसमें पोर्शन लिया है। ये बोन है, ये बोनलेस है, ये नलियाँ हैं, थोड़ी चाप भी ली है, सभी तरह का। ऐसा नहीं कि मैंने पर्टिकुलर कुछ एक शोल्डर पोर्शन लिया है, सभी मिक्स है इसमें गोश्त। तो इशू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये मैंने गोश्त धो के रख लिया था, कुकर के अंदर हम ये सारा गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोटियाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं रखी, मीडियम साइज की, दो 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 इंच की बोटियाँ बनाई हैं इसकी। इसमें 3-4 नलियाँ भी डाल दी हैं मैंने, ताकि इसका जो अर्क उतरेगा वो बड़ा मज़े का होगा। थोड़ा फेट भी है, ये देखिए फेट भी रखा है मैंने। अब इसमें हम डाल देते हैं ये 1 दरमियाना प्याज है जो मैंने कट करके रखा था। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं 1.5 चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और नमक हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हम बाद में भी ऐड करेंगे, इसलिए नमक हम 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे। चूँकि इसमें थोड़ा फेट है तो मैं इसमें थोड़ा ही तेल डालूँगी अभी, बिल्कुल 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 ज़रा सा ही, ताकि नीचे लगे ना। बस मेरा टारगेट यही है कि नीचे लगे ना इतना ही, क्योंकि फेट भी इसका वो हो जाएगा। देखिए ये समझिए 2 छोटे चम्मच है तेल। चलिए बस अब इसको हम 20 मिनट के लिए उसमें रख देते हैं चूल्हे पर, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। 15 से 20 मिनट में ही अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप भगोनी में रखना चाहते हैं तो आपको 1/2 घंटे के तकरीबन रखना पड़ेगा। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। इसमें बस ज़रा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के हिसाब से। गोश्त से भी पानी छोड़ेगा तो हम बस थोड़ा ही पानी इसके अंदर डालेंगे। चलिए बस अब इसे मैं बंद करके 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, कम्प्लीटली कुक हो गया, लेकिन इसमें अभी ये ग्रेवी है। तो ये ग्रेवी हमको खुश्क करनी है, पूरा इसका स्टॉक हमको खुश्क करना है। तो जब तक ये खुश्क होता है हम हमारा दूसरा मसाला रेडी कर लेते हैं। देखिए ये मसाला भुनी से पीसना है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये हरी मिर्चें हैं, ये 7-8 हरी मिर्ची, क्योंकि ये फीकी हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। हरा धनिया धोकर कट करके रखा है। 1 ये मीडियम साइज़ की प्याज ली है। तो मैं जान में फटाफट इसको डाल देती हूँ। साथ ही इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए हमारा मसाला पीस गया है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड कर रहे हैं इसमें 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम दही वगैरह ऐड करेंगे। ये देखिए ये 150 ग्राम दही है, ये मैं इसमें जार में डाल रही हूँ। साथ ही इसमें ये मैं 100 ग्राम क्रीम है, मलाई मैंने घर से ही निकाली है दूध की। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा मीन्स 3 या 4 चम्मच पानी ऐड करूँगी। अगर हम इसे पानी नहीं ऐड करेंगे तो ये व्हाइट बटर बन जाएगी।
ये हमारी मलाई और दही हमें स्लाइस कर दी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे। ये देखिए गोश्त के पीसेस मैं वन बाय वन करके इसमें मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। देखिए अब हमने गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, इसे आधा घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है हमारे चिकन को मैरिनेट हुए, सॉरी मटन को। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमें पूरे इस तरीके से इसका मसाला निकाल कर और फिर हमें हल्का से इसको फ्राई करना है। इस तरीके से कबाब तो हो जाए तो हम इसे टर्न कर लेंगे। अच्छे से गोल्डन हो जाए हर पीस तो हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए सारे मैंने पीसेस तल के निकाल लिए हैं। ये देखिए सारा मैंने इसमें अपना मटन फ्राई करके निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा मैं तेल और ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल कम हो गया है। इसमें अब इसमें मैं करी पत्ता ऐड करूँगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें तेल गर्म नहीं हुआ इस तेल में गर्म कर दूँगी। इसमें गर्म होने पर करी पत्ता ऐड करूँगी इसमें, और साथ ही हमारा मसाला बचा हुआ है ये ग्रीन मसाला जिसमें हमने मटन को मैरिनेट किया था, ये मैं इसमें डाल लूँगी। ये देखिए हमने मसाला अच्छे से भून चुका है और इसे भूनते भूनते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये मटन डाल दूँगी। बहुत मज़े का बनता है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि 2-3 स्टेप जाती है इसमें, मगर बहुत मज़े का बनता है। कभी भी इस पर स्पेशल कुछ खाने का हो मूड हो तो ज़रूर इसको ट्राई करें आप। बस अब इसे हम ढके 2 मिनट और बनाएंगे। क्या प्यारा कलर आया है इसका। देखिए मटन में कुछ ज़्यादा वैरायटी तो होती नहीं है, ज़्यादा हम वेरिएशन कर नहीं सकते क्योंकि ये मैरिनेट नहीं होता, अंदर तक कुक नहीं होता अगर हम शॉर्टकट लेंगे तो। तो ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इसे आप। ये देखिए हमारा ग्रीन मसाले का मटन रेडी है, बिल्कुल बहुत अच्छा है बना है ये, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।